भारतीय हूण क्षत्रियों की ही एक शाखा थे। तो उन्होंने फिर सोचा कि भाई हम तो इस ईसाइयत के जो मध्ययुगीन ईसाइयत है उसके अवरोधों को नहीं मानेंगे, विज्ञान जो कहेगा वो देखेंगे। तो उन्होंने एक से एक तथ्य देखे, समुद्र में देखा कि काफ़ी बहुत सारी सभ्यताओं के अवशेष भी मिलते हैं, बहुत से ऐसे तथ्य मिलते हैं जो ये बताते हैं कि सृष्टि बहुत पुरानी है, जीवाश्म हो चाहे शैल के अश्म हो। तो उन्होंने उस तरह का एक तथ्य प्रस्तुत किया केवल वैज्ञानिक दृष्टि से। और इसी प्रकार आकाश में जब गए तो लगातार आप लोग डिस्कवरी चैनल देखते ही होंगे, भारत के स्कूलों और कॉलेजों में चूंकि जैसा कि डी जी ने बताया कल कि चूंकि यहाँ एक ऐसे संप्रदाय का, ऐसे नास्तिक और भारतद्रोही संप्रदाय ने राज्य पर कब्जा कर लिया है जो नहीं चाहता कि भारत में आत्मगौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रसार हो, तो वो इस तथ्य को दबाए हैं। वो भारत के इतिहास और समाज विज्ञान और राजनीति शास्त्र में केवल ऐसी पुस्तकें पढ़वा रहा है जो कि साम्राज्यवादी दौर में अंग्रेजों ने लिखी या लिखाई थी, उससे भी बढ़ चढ़कर भारत की निंदा, भारत के केवल दोषों की चर्चा और अपने सारे दोषों को ढकना। 20वीं शताब्दी के शुरू तक आप अपनी स्त्रियों को मनुष्य ही नहीं मानते थे, उनके आत्मा ही नहीं मानते थे, आप मनुष्यों के मतलब एक पूरे वर्ग को जो कि उनसे बहुत सशक्त थे, अफ्रीका की सभ्यता विश्व में अत्यंत विकसित सभ्यता रही है भारत के ही समतुल्य, तो उसको आप एकदम काला कह के तिरस्कृत कर रहे थे, गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे थे, गुलामों का व्यापार कर रहे थे। इतने भयंकर तथ्यों को अपने तो छिपाते हैं और भारत के छोटे से छोटे भेद को, छोटे से छोटे दोष को जो कालक्रम में किसी भी समाज में जैसे व्यक्ति के भीतर आते हैं ऐसे ही समाज में आते हैं, उसको अतिरंजित करके बढ़ाना, इस भाव से जो पुस्तकें लिखी गई थीं उसी भाव को सारे देश में शिक्षा और संचार माध्यमों के द्वारा प्रसारित करना इस नास्तिक, धर्मद्रोही और देशद्रोही वर्ग का पेशा बन गया है। लेकिन विश्व में जो वैज्ञानिक लिख रहे हैं, विशेषकर 1970 से जो पुस्तकें आई हैं, तो उनके द्वारा जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनको भारत में विश्वविद्यालयों में, एकेडमिया में, मीडिया में बाहर रखा। उन तथ्यों को कैसे जाने, तो उन तथ्यों को पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में हमने जाना है। अब जो विद्या का और भी विस्तार किया जा रहा है उसके द्वारा जानेंगे, और ऐसे ही कुछ तथ्य आज हमें बताएंगे श्री विवेक गोयल एडवोकेट, जो कि विश्व इतिहास में कितने हजारों वर्षों तक व्यापार की दृष्टि से भारत अग्रणी रहा है जैसा कि डीए जी ने बताया था। उन्होंने प्रचार किया, वो स्वयं केवल मामूली तीन चार चीज़ों की खेती, मुश्किल से तो मक्का और कहीं कहीं गेहूं और अंगूर और इन सब की खेती के सिवाय, और भेड़ पालन, ज़्यादातर यूरोपीय देशों में तो यही सब था, कृषि भी नहीं कह सकते उसको, कृषि का अत्यंत दरिद्र रूप। तो उन्होंने भारत को भी कह दिया कि ये खेती प्रधान देश है, और हमारे उस समय के जो इंग्लैंड में पढ़े लिखे नेता थे वो वही दोहराने लगे। जब दोहराने लगे तो स्वाधीनता के बाद, हस्तांतरण के बाद, यहाँ भी वही रट चल रही है, भारत कृषि प्रधान देश है। अरे भारत तो विश्व का सबसे अधिक औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध देश रहा है हजारों वर्षों तक, इसके ऐतिहासिक तथ्य मौजूद हैं। विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा कितना अधिक रहा है हजारों वर्षों तक, ये आपको बताएंगे श्री विवेक गोयल। कितने क्षेत्रों में, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो जहाज का काम हो, चाहे वस्त्र निर्माण का काम हो, चाहे सैन्य विज्ञान का काम हो, इन क्षेत्रों में हम कितने विकसित थे, ये तथ्य वो रखेंगे। और इसके साथ ही आपको नक्शे में भी बहुत से आंकड़े और तथ्य दिखाएंगे। उन्होंने इन तथ्यों का बहुत ही विशद अध्ययन किया है, और ये सब अध्ययन यद्यपि हमारे शास्त्रों से भी ये निष्कर्ष निकलते हैं, लेकिन जैसी मनोसंरचना बना दी गई है शिक्षा संस्थानों में, तो हम लोगों में जो सेंस ऑफ अथॉरिटी है, जो प्रमाण भावना है, वो तो यूरोप के प्रति विकसित हो गई है। और देखिए, मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वो जिसको प्रमाण मान लेता है उसी की बात सुनता है। जैसे हम लोग सब स्वामी जी की बात कैसे सुनते हैं, हमारी दृष्टि में वो अथॉरिटी है, प्रमाण है कि भाई ये जो इनके मुख से जो निकलेगा वो सत्य होगा, वो प्रामाणिक होगा, वो धर्म की वाणी होगी, वो सत्य की वाणी होगी। तो ये सारी दुनिया में जो शिक्षा का सरंजाम रचा जाता है उसका मूल ये है कि अगर वो शिक्षा ज्ञानियों के हाथ में है तो वो ज्ञानियों को प्रमाण बताएगी, लेकिन अगर वो राज्यकर्ताओं के हाथ में है, और मान लीजिए राज्यकर्ता विदेश के एजेंट हैं,
तो वो क्या करेंगे, विदेश को प्रमाण बताएंगे। हर बात में प्रमाण कौन है? तो साहब इंग्लैंड में ये कहा जाता है, फ्रांस में कहा जाता है, जैसे वो ब्रह्मा हैं या इनके पिताजी हैं राज करने वालों के। ऐसे उद्धृत करते हैं कि जैसे इंग्लैंड का लेखक कह रहा है तो वो हमारा माई बाप है। बहरहाल वो हमारा मन बन गया है, तो इसलिए हम लोग भी अब क्या करते हैं, पहले चरण में हम यूरोपीय विद्वानों को प्रस्तुत करते हैं, उन्हीं को उद्धृत करते हैं, ताकि आपके चित्त में जो बाकी सब कोशिश की गई है कि सारे ही स्पेस चिदाकाश जो है वो ढक लिया जाए और केवल एक सुई की बराबर की जगह रहे, जिसमें केवल यूरोपीय लेखक, यूरोपीय विद्वान, यूरोपीय संस्थाओं को अधिकारी कहा जाए, तो उस चिदाकाश में भेद कर फिर धीरे धीरे सत्य को उद्घाटित करना। तो श्री विवेक गोयल स्वयं यूरोपीय विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर अपनी बात कहेंगे। विवेक गोयल।